आना ही था माता, आपको वचन दिया था ना कि जब भी आप ये पर्दा खोलेंगे मुझे सामने पाएंगे। आप कैसी है माता? तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मेरा तात्पर्य आपके स्वास्थ्य से था माता। आपका घाव कैसा है माता? मैं ठीक हूँ पुत्र। आप असत्य क्यों कह रही हैं माता? हाँ माता, मैंने स्वयं देखा है, आपका घाव फिर से उभर आया है। तुम अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हो शनि कि अपनी माता से प्रश्न पूछ सको, परंतु तुम्हें मेरे प्रश्न के उत्तर देने होंगे। तुम यहां क्यों आए? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे शनि, तुम प्रतियोगिता छोड़कर तो नहीं आए हो ना? तुमने वचन दिया था कि तुम चुनौती पूर्ण करके आओगे। तुमने मेरा वचन पूर्ण किया ना शनि? आपका वचन भी पूर्ण किया माता। और चुनौती भी। सबसे अंतिम चरण में मैं एक अंध गर्त में फंस गया था माता, और फिर इस अंधकार से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा शनि। प्रणिपात महादेव, मैं यहाँ तुम्हारा सत्कार नहीं, अपने प्रश्न का उत्तर लेने आया हूँ शनि। सज्ज हो? प्रयास करूंगा महादेव। तो बताओ तमोगुण क्या है? तुम्हारा उत्तर ही निश्चित करेगा कि तुम इस अंधकार से बाहर निकलते हो या नहीं। तमोगुण एक ऊर्जा का रूप है महादेव, एक नकारात्मक ऊर्जा जो निर्माण में नहीं विध्वंस में विश्वास रखती है, जो क्रोध से प्रारंभ होती है और विनाश तक ले जाती है। तो तुम्हारे मतानुसार तमोगुण नकारात्मक ऊर्जा है? नहीं महादेव, ऊर्जा नकारात्मक नहीं होती, उसका प्रयोग करने वाले की सोच नकारात्मक होती है। प्रकाश की तीव्रता अंधकार में ही सबसे अधिक होती है, अंधकार प्रकाश को खोजने की प्रेरणा देता है। यदि तुम्हारा उत्तर उचित है शनि तो ढूंढो इस तमस के बीच बाहर निकलने का मार्ग। महादेव, जो जन्म लेते ही पिता को ग्रहण लगाने का पाप करे वो श्राप का ही अधिकारी होता है। फिर कभी मुझे अपना भाई मत कहना। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। अंधकार में विश्राम से व्यक्ति प्रकाश में देखने योग्य बनता है, और जैसे ही मैंने आपका स्मरण किया माता, मैं प्रकाश में आ गया।
असंभव, ये उस अंध चक्र से बाहर कैसे निकल आया? मैंने उचित हल देकर उस व्यू को तोड़ डाला है देवगुरु। अब आदेश कर। परंतु तुम इस अंध चक्र से बाहर कैसे निकले? वहां से तो प्रकाश भी नहीं निकल सकता। परंतु अंधकार से अंधकार निकल सकता है देव। तमस को मैंने अपने तमस से पराजित किया। आप भी अपने मन के क्रोध के अंधकार से निकले देवराज। सावधान, सदा के लिए अपने मन के अंधकार में खो मत जाना देवराज। समय व्यर्थ मत करो शनि, तुम सर्वप्रथम आए हो, किंतु ये परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। वो धर्म पताका लेकर जाओ और उस पर्वत की चोटी पर स्थापित करो। उसके उपरांत मेरे चरण स्पर्श करने पर ही तुम्हें धर्मराज का पद मिलेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है मित्र, उनका घाव फिर से ऊपर आया है। मैं कब से यही सूचना देने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु इससे पूर्व मैं तुमसे कुछ कह पाता, तुम व्यू में प्रवेश कर चुके थे। चलो काकुल। आजा यम, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। माता पिता से अधिक उनकी अपेक्षाएं होती। मैं यहाँ अपने माता पिता की इच्छा से धर्मराज बनने की प्रतियोगिता में आया हूँ, और धर्म कहता है कि जो कार्य प्रारंभ हुआ है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो तुम प्रतियोगी होने का धर्म निभाओ और मैं अपनी माता के लिए अपना धर्म निभाऊंगा। ठहरो शनि, प्रतियोगिता को मध्य में छोड़कर जाना नियमों का उल्लंघन है और गुरु का अपमान भी। नियम व्यक्ति के लिए होता है देवगुरु, व्यक्ति नियम के लिए नहीं। और मेरे लिए सबसे बड़ी वो माता है जिसने मुझे हर नियम सिखाया। मेरी दृष्टि में माता और गुरु में श्रेष्ठ कौन है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं देवगुरु। मेरे लिए प्रतियोगिता के नियम तोड़कर आ गए पुत्र। परंतु मुझे दिया वचन तोड़ दिया ना पुत्र। मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा माता। मैंने कहा था ना कि मैं अपने सामर्थ्य से भी अधिक प्रयास करूंगा, परंतु
माता की पुकार सुनकर रुक जाना मेरे सामर्थ्य में नहीं था। कुछ देर और रुक जाते तो धर्मराज बन जाते पुत्र। माता, यदि कुछ पल और रुक जाता तो मैं एक पुत्र होने का बल खो देता। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया माता, अब आप बताइए क्या हुआ आपको। कुछ नहीं हुआ है मुझे पुत्र। माता, सूर्यदेव ने मुझे वचन दिया था कि वो आपका उपचार करेंगे, तो उन्होंने वचन क्यों नहीं निभाया? आपकी पीड़ा का उपचार क्यों नहीं किया उन्होंने? और माता, आप इस दिशा में क्या कह रही थी? इस ओर तो सूर्य लोक का गुप्त निकास द्वार है, फिर आप जा कह रही थी? मैं आज तक मैंने आपसे कोई ऐसे प्रश्न नहीं पूछे इनके उत्तर आप नहीं देना चाहते, और आज तक आपने मुझे यही उत्तर दिया। इस समय आने पर मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, परंतु आज मैं आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूं जिनके उत्तर आप नहीं देना चाहती, और आज मैं समय की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। उत्तर दीजिए माता, कहां जा रही थी आप? क्या सूर्यदेव इस बात से अवगत है? देवी संज्ञा की जय हो। सूर्यदेव ने आपको सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। कुमार यम प्रतियोगिता जीतकर लौट चुके हैं, उनका धर्मराज बनना निश्चित है। मैं प्रस्तुत होती हूँ। चलो शक्ति, सूर्यदेव ने हमें प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए माता, कहाँ जा रही थी आप? कितने हटी हो शनि, तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगी मैं पुत्र, परंतु इस समय सूर्यदेव को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं। अपनी माता की बात मानोगे ना? चल। मुझे तुम पर गर्व है, आज तुमने मेरा गौरव और बढ़ा दिया है। गौरव तो मेरा भी बड़ा है सूर्यदेव,
यम ने मुझे अपने गुरु होने का सम्मान दिया। आज ये घोषणा करते समय मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि धर्मराज की इस प्रतियोगिता को यम ने जीता है। उचित आयु होने पर मैं स्वयं इसका धर्मराज के पद पर अभिषेक करूंगा। कुमार यम की, सूर्यदेव की। देवी संज्ञा, जब ऐसी विकट परिस्थितियां हमारे सामने आ जाए कि हम स्वयं पर से ही विश्वास खो दें, ऐसे में उत्तम संतान ही माता पिता को साहस, संतोष और शांति देती है ना? उचित कहा आपने दी, संतान हर विकट परिस्थिति में माता पिता को संतोष और साहस देती है। यम से जो हमें आशा थी उसने पूर्ण कर दिया। यशस्वी भव। अनुमान था मुझे यम में सामर्थ्य है धर्मराज होने का, इसलिए मैंने इसे ही विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। कहा था ना मैंने कि तुम प्रतियोगिता में जाकर अपना और औरों का समय व्यर्थ कर रहे हो। आपके एक पुत्र ने तो आपका तेज बढ़ाया है सूर्यदेव, परंतु आपके दूसरे पुत्र ने आप पर ग्रहण लगा दिया। शनि ने न केवल हमें निराश किया है अपितु व्यवस्था, द्वंद्व और हमारा अपमान भी किया है। ये मध्य में ही प्रतियोगिता छोड़कर चला आया सूर्यदेव। क्या आचार्य सत्य कह रहे हैं शनि? हाँ ये सत्य है, मैं ये प्रतियोगिता बीच में छोड़ आया देव, परंतु मेरा मंतव्य वो आशा तोड़ना नहीं था जो मेरे पिता ने मुझसे की थी, बल्कि वो कर्तव्य पूर्ण करना था जो मेरे पिता ना कर पाए। कौन सा कर्तव्य पूर्ण नहीं किया मैंने? वचन का पालन नहीं किया आपने देव। यहां से जाने से पूर्व आपने मुझे वचन दिया था कि आप माता का उपचार करेंगे, क्या आपने वो वचन पूर्ण किया? यदि पिता वचन तोड़ दे तो क्या उन्हें पुत्र से ये प्रश्न पूछने का अधिकार है कि पुत्र ने उनकी आशा क्यों तोड़ी? बताइए सूर्यदेव, बताइए, कहिए सूर्यदेव। शनि, तुम अपने पिता को लज्जित कर रहे हो पुत्र।
नहीं माता, मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो उत्तर सुनो। मैंने कोई वचन नहीं तोड़ा, मैंने हर संभव प्रयास किया, परंतु मैं उनका उपचार नहीं कर पाया, क्योंकि उपचार केवल रोगी का होता है। और तुम्हारी माता वो अपने लोभ के समीप है। तुम्हारी माता का अंत निकट है शनि। Log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.